में किया। गुजरात की पहली ट्रेन में खाना पिसरी हुए रेस्टोरेंट काबूस की अहमदाबाद में शुरुआत करने में आई है, जिसमें आपके आदेश मुजब किचन में से आपके टेबल तक ट्रेन के विभिन्न पटरियों को स्थापित किया गया है और उसमें ट्रेन रखने में आई है और किचन से शेफ के द्वारा उस ट्रेन में टेबल के क्रमानुसार खाना रखने में आता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। काबूस के मालिक किरीट भाई, देवेंद्र भाई, सुहास भाई और आनंद भाई ने कहा, हमने होटल इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन हम अहमदाबाद के लोगों को कुछ नया देना चाहते थे, इसलिए हमने इस थीम की रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अश्विन लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मोहित गौड़ है और मैं आज अहमदाबाद आया हूँ। ये मेरी बहुत फेवरेट सिटीज में से एक है और यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग का प्रमोशन करने आया हूँ, उसका नाम है वहीं। अच्छा, अपने जितने भी गाने होते हैं ना, वो सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते हैं, वो स्टोरी सॉन्ग्स होते हैं। आप पूछेंगे क्यों, तो उसका रीजन ये है कि हर सॉन्ग के पीछे एक स्टोरी होती है जो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, और क्योंकि मैं मेरे गाने खुद ही बनाता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, तो इसलिए वो स्टोरी सॉन्ग हो गए। तो मेरे सारे गाने मेरी स्टोरी कहते हैं, मुझ बेचारे की स्टोरी। तो वहीं एक ऐसा स्टोरी सॉन्ग है जो बताता है कि कैसे मैं किसी को एक दिन याद करा था। मेरे सारे दोस्त लोग, हम सब साथ में बैठे हुए थे और मुझे किसी की याद आ रही थी, और याद आते आते मेरे दिल में से एक लाइन गूंजी जिसका नाम था दिल तो वहीं है वहीं। और ये लाइन ऐसी गूंजी, इसकी ऐसी धुन बनी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं जहाँ बैठा हुआ था जिन दोस्तों के साथ में से, मैं ऐसे फूट कर चला गया। और उसके बाद में 2 घंटे तक मैंने मेरे गाने को लिखा, बनाया। मेरे दोस्त नॉक करते रहे गेट पर, मोहित तू ठीक है, तू जिंदा तो है? और फिर मैं 2 घंटे बाद उनके सामने गाने की डायरी पेश करता हूँ कि 2 घंटे में ये लिखा है, और वो 2 घंटे में बनाया हुआ गाना अब आप सबके सामने हाजिर है, YouTube पे है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालें और YouTube को पे सर्च करें, मेरा नाम सर्च करें, मोहित के स्टोरी सॉन्ग सर्च करें, वहीं सर्च करें, WAHIN डालते ही आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे YouTube पे अपना सॉन्ग मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आए। सर, मैंने अभी तक अराउंड 9 गाने गा लिए, अलग अलग एल्बम्स, कुछ मूवीज में और खुद के भी कुछ ओरिजिनल गाने, ऐसा 9-10। मैं सुनाऊं आपको, मैं इस गाने की मेरी सबसे फेवरेट जो लाइन है ना, वो आपको सुनाता हूँ। तो कैसा कि आप जब किसी को याद कर रहे होते हो ना, तो भले आप उस इंसान के बिना अधूरे हो, पर उसकी यादों में आप पूरे हो। तो इस पूर्णता को या इस पूरेपन को ये लाइन बताती है कुछ इस तरह से कि मोर के सारे पंख खुले वैसा ही मैं जागा सा, पेचु लड़ाते पतंग कोई कटके फिरता मैं जाता सा, अब यहाँ मन लगता नहीं है, अब बस यहाँ मन लगता नहीं, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, ऐसा। हाँ, एक नव कॉन्सेप्ट छे, फर्स्ट टाइम इन गुजरात, जेनी अंदर दरेक टेबल ऊपर फूड सर्व थाय छे बाय ट्रेन। આ કોન્સેપ્ટ આપણે અહીંયાથી લગભગ 6-1 મહિના પહેલા બધું સ્ટાર્ટઅપ કરેલું હતું, અને એમાં દરેક ટેબલ વાઇઝ ઓટોમેશન સેટ કરેલું છે અને દરેક ટેબલ ઉપર એનાથી સર્વ થાય છે। આ એક શિકાગોની અંદર એક વિટોપના કરીન સિટી છે, એની અંદર એક રેસ્ટોરન્ટ હતું, એ વખતે અમે વિડીયોની અંદર જોયું હતું। એ વખતે પછી અમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર બી આવો એક રેસ્ટોરન્ટ બનાવવો જોઈએ, અને એના પછી એના ઉપર અમે કામ ચાલુ કર્યું અને 6-1 મહિના પછી અમે એને એક્ઝિક્યુટ કર્યું। આનું કંટ્રોલ કેવી રીતે? આનું ટોટલ ઓટોમેશન સેટ કરેલું છે કે ટેબલ વાઇઝ, અને અંદર આખી પેનલ બનાવેલી છે કે જે ટેબલ નંબર ત્યાં આગળ અંદર દબાવશો એના પછી ત્યાં આગળ ઓટોમેટિક ટ્રેક ચેન્જ થશે અને એ ટેબલ ઉપર જ ટ્રેન આવશે, એનું ઓટોમેશન સેટ કરેલું છે। અહીંયા મલ્ટી ક્વિઝિન ફૂડ સર્વ થાય છે, ઇન્ડિયન, કોન્ટિનેન્ટલ, ચાઇનીઝ, પંજાબી, બધી ટાઈપનું ફૂડ સર્વ થાય છે અહીંયા।